राजीव त्यागी के निधन के बाद जहां एक ओर तमाम राजनेता और पत्रकार शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर संबित पात्रा के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। हजारों की संख्या में लोग संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी को अपने आखिरी डिबेट के लिए आज तक के दंगल में शामिल हुए थे, जिसमें संबित पात्रा उन पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उन्हें जयचंद बताते हुए नकली हिंदू करार दे रहे थे और टीका लगाने पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसी बहस के ठीक बाद उन्हें दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टरों ने इस बात को कंफर्म किया है कि राजीव त्यागी को अटैक उसी वक्त आया जब वो टीवी डिबेट कर रहे थे। इसके बाद टीवी डिबेट का वो खास हिस्सा जिसमें संबित पात्रा राजीव त्यागी पर हमलावर हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि इस तरह की हिंसक भाषा में बातचीत के बाद राजीव त्यागी को अटैक आया था। मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट गणेश कुमार यादव लिखते हैं कि हार्ट अटैक के ठीक पहले भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा राजीव त्यागी के लिए भयानक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये भाजपा का कल्चर है कि दूसरों को परेशान किया जाए। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि तो मेडिकल जांच के बाद ही की जा सकती है कि फटकार की भाषा का कितना असर हुआ था, मगर टीवी डिबेट में इस्तेमाल किए जा रहे जहरीली भाषाओं के तमाम नुकसान है, ये जग जाहिर है। इसलिए कम से कम ऐसी अमर्यादित भाषाओं पर लगाम लगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN समाचार।